तो गाइस अभी चेस्ट को खोलने का देख लेते भाई कितना वुड कलेक्ट हुआ है। ओ भाई साहब एक मिनट के अंदर इतना सा। तो वेलकम बैक गाइस मेरे एक और न्यू मजेदार वीडियो में। तो गाइस फाइनली मैं आ चुका हूँ एक और न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस फाइनली आप लोगों ने इतना ज्यादा अच्छा सपोर्ट देने की वजह से भाई थैंक यू सो मच। एक सेकेंड यार, उस वीडियो के अंदर ज्यादा व्यूज नहीं है तो मतलब मैं कोई भी शाउट आउट नहीं है। तो मैं आप लोगों को पहले डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि आज के वीडियो में कोई भी शाउट आउट नहीं है। आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं अल्टीमेट फूड फार्म इन माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन। तो गाइस फिलहाल इस फार्म को बनाने के लिए काफ़ी अच्छा सा मुझे ट्रिक बताऊंगा, चलिए, जो कि काफ़ी तगड़ी तरीके से काम कर सकती है। मेथड से आप लोग को मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूँ। मैं आप लोग के लिए सभी के सभी ईजी फार्म्स लेके आता हूँ। तो ये जो फार्म है ना ये भी इजी है, इसके लिए आप लोग को ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। वो ये बंदा भी बोल रहा है सब्सक्राइब करो और लाइक ठोक दो यार। इस वीडियो का लाइक है मैं 10 लाइक, हाँ इतने रहे। तो वेल गाइस फटाफट से चलते और बनाते हैं अपना फाइनली वुड फार्म। सो ओके गाइस, इस फॉर्म को बनाने के लिए आप लोगों को ये सारी चीज़ों की जरूरत है जो कि आप लोग अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देखिए। तो फाइनली हमारी बिल्ड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग को सिंपली अपने यहाँ पे 9 ब्लॉक अप कर लेना, और 9 ब्लॉक अप करने के बाद सीधा यहाँ पे ऐसे दो ब्लॉक आगे कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग को सिंपली यहाँ पे एक ब्लॉक लगा देना है और उसके ऊपर यहाँ पे 4 पिस्टन्स लगा देने हैं। और ये लगा देने के बाद आप लोग को सिंपली पीछे आ जाना है, और पीछे आ जाने के बाद यहाँ पे इसको ब्लॉक को तोड़ने के बाद यहाँ पे एक ऑब्जर्वर लगा देना है। एंड इसके बाद आप लोग को ऑब्जर्वर से ये पिस्टन्स कनेक्ट हो जाए उस तरह से आप लोग को रेडस्टोन कनेक्शन कर देना है। तो ऑलरेडी गाइस आप लोग को जैसे कंफर्टेबल लगे उस टाइप से आप लोग को रेडस्टोन का कनेक्शन कर देना है। वेल मैंने कुछ इस टाइप से किया, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। और मैंने इसको कवर अप कर लिया जिससे मैं ये बेकार ना दिखे, अच्छा दिखे, ठीक है। अगर ऐसे करोगे तो फॉर्म बिल्कुल वर्क नहीं करेगा। आप लोग को सिंपली इसको पीछे से जाके ऐसे ऑब्जर्वर लगा देना है जिससे फॉर्म काम कर जाए, ठीक है। तो ऑलराइट कुछ इस स्टेप से हो जाने के बाद आप लोग को सिंपली टेस्टिंग कर लेना है। यहाँ पे आप लोग का ब्लॉक लगाते ही ये सारे के सारे पिस्टन काम करना चाहिए। लाइक मैं भी इसको ऑब्जर्वर से दिखा देता हूँ, ये बढ़िया से काम करें, देखो चारों के चारों पिस्टन इस टाइप से काम करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप लोग को एक साइड आ जाना है और यहाँ पर सिंपली डिस्पेंसर लगा देना है। उसके बाद सिंपली इसके पीछे एक ब्लॉक लगा देना है। उसके बाद दोनों के दोनों साइड रेडस्टोन टॉर्च को लगा देना ही। उसके बाद आप लोग को सिंपली रेडस्टोन डस्ट इन सभी को ऐसे कवर अप कर दें, बट थोड़ा सा पास में लगा देना है। या तो आपका काम हो चुका है डन। अब आप लोग को सिंपली डिस्पेंसर के ऊपर क्राउच करने के बाद लीवर लगा देना है, और ऐसे कंट्रोल हो जाने के बाद आप लोग का रेडी हो चुका है। मतलब मैं 50% काम रेडी हो चुका है। अब आप लोग को आपके पास जितना भी बोनवेल है ना, जितना भी सारे के सारे को ठूस देना है भाई इसके अंदर, ठीक है। जितना भी सभी को ठूस देना है, मतलब आप लोग को बोनवेल कहाँ से लाना है, वो फॉर्म कैसे बनता है तो मुझे ज़रूर बताना। मैं आप लोग को बिल्कुल ही उसका सही का सही तरीका दिखा दूंगा वो कैसे बनता है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे 4 ब्लॉक को एक्सटेंड कर देना है। उसके बाद सिंपली यहाँ पे 3 ब्लॉक को आगे की तरफ लगा देना है। उसके आप लोग को सिंपली यहाँ पे ऐसे करके पिस्टन्स की 4 अप लेयर करने है, 3x4 कर देना है, ठीक है। ये थर्ड हो गए और ये फोर्थ हो गए। उसके बाद इसकी जो लास्ट है ना, लास्ट लेयर यहाँ पे रेडस्टोन टॉर्च को लगा देना है जिससे भाई अपना काम हो सके। और उसके बाद आपको यहाँ से इस सारे के सारे जो पिस्टन है ना, इनको रेडस्टोन टॉर्च से कनेक्ट कर देना है, और आप लोग जैसे चाहो वैसे कनेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो फाइनली देख सकते हो आप लोग मेरा मतलब मैं पूरा का पूरा रेडस्टोन कनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कुछ ऐसा ही कनेक्शन कर देना है आप लोग को। और उसके बाद ये चीज़ चेक कर लेना कि अगर आप लोग यहाँ पर कोई भी ब्लॉक लगा रहे हो तो क्या पिस्टन सारे के सारे पुश कर रहे हैं। जी हाँ, तो मेरे यहाँ सारे के सारे पिस्टन्स पुश कर रहे। तो उसके बाद आप लोग कलेक्टिंग सिस्टम बना देना है, जो कि आप लोग को बिल्कुल आता ही होगा यार। यहाँ पे आप लोग को सिंपली अपनी जो भी कोई भी सैपलिंग है उसको लगा देना है। उसके बाद लीवर को चालू कर देना है और इसको लगा देना है। और ये देख सकते हो तो आप लोग का पेड़ अभी ग्रो होना स्टार्ट हो जाएगा। ये हो जाए क्या दिक्कत तुमसे, ना हो पाएगा, हो जा भाई, हो गया। तो गाइस कुछ स्टेप से आप लोग का काम करना स्टार्ट हो जाएगा अपना फार्म। तो ऑलराइट गाइस, तो भाई कुछ डिजाइनिंग के बाद ये फार्म ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसा पता ना कैसा लग रहा है यार। अभी आप लोग देख सकते हो, आप लोगों को कुछ इस स्टेप से यहाँ पे कलेक्टर सिस्टम बना ले, मैंने सिंपली बना रखी है यहाँ पे चेस्ट, और ऊपर यहाँ से इसको तोड़ना स्टार्ट कर देना है अपने इतना खास। बट हाँ, आप लोग की मर्जी, आप लोग जैसा चाहो वैसा बना सकते हो मेरे टाइप से।
वरना ऐसा नहीं है भाई। और वैसे पॉकेट एडिशन के अंदर TNT ड्यू पर काम नहीं करता, सो इसका कोई मतलब भी नहीं बनता। आप चाहो तो यहाँ पे साइड से भी कटिंग कर सकते हो ट्री की, और सिंपली नीचे का ब्लॉक तोड़ते ही आप लोग का सारा जो वुड है वो पानी के दोहरे नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो अभी चेस्ट को ओपन करते और देखते हैं भाई कितना ज़्यादा वुड कलेक्ट हुआ है, इतना एफिशिएंट ये फार्म हो सकता भाई। सिर्फ 5 मिनट के अंदर इतना वुड, ओ भाई भाई पॉक एडिशन के अंदर इतना ज़्यादा वुड मिल सकता है। और आई मीन गाइज, अगर आप लोग को कुछ समझ ना आया हो इस वीडियो में तो मुझे कमेंट कर देना, आप लोग के लिए इससे भी अच्छा आप लोग को वीडियो बना के दे दूंगा, ठीक है। तो गाइज आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।